नमस्कार। जय हो, यहाँ भी जय हो, वहाँ भी जय हो, और राज बब्बर जी की भी जय हो। फिरोजाबाद की गलियों में गोविंदा की ये जय जयकार राज बब्बर के लिए वोट की गुहार है। राज बब्बर के खास न्योते पर अभिनेता गोविंदा उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। गोविंदा के आने की खबर से फिरोजाबाद की जनता बेहद उत्साहित दिखी। और उन्हें देखने और सुनने के लिए लोग भारी तादाद में जुटे। लोगों का उत्साह देखकर गोविंदा को भी जोश आ गया और उन्होंने लोगों से राज बब्बर को जिताने की अपील की। मैं आप लोगों से तहे दिल से मन से ये कहना चाहूंगा कि इस 7 तारीख को अगर आप मेरे भाई हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे दोस्त हैं, सोचते हैं कि मैंने आपको हटाया है, सोचते हैं कि मैंने कहीं आपको 7 तारीख को आपको साथ देना है, राज बब्बर जी का साथ देना है। गोविंदा ने फिरोजाबाद की जनता का दिल जीतने के लिए उन्हें गाना गाकर भी सुनाया। अरे जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। फिरोजाबाद संसदीय सीट पर राज बब्बर की लड़ाई मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से है। यहां का मुकाबला अब नेताओं का नहीं अभिनेताओं का हो गया है। अभी 2 दिन पहले यहां आकर अभिनेता सलमान खान ने राज बब्बर के लिए वोट मांगे थे। सलमान एक स्टार प्रचारक है, उनके प्रचार का जादू पिछले चुनाव में खूब चला है, लिहाजा आज उनकी गैर मौजूदगी में भी गोविंदा ने एक बार फिर उन्हें याद किया। क्या आप यहाँ पर आओ, मैंने कहा मेरा पार्टनर तो पहले ही आया हुआ है यहाँ पे, और पार्टनर जहाँ पर जाता है विजय पताका ही लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि राज बब्बर ही सितारों की फहरिस्त खड़ी कर रहे हैं। डिंपल यादव के पक्ष में है अपने मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। संजय दत्त ने मंगलवार को डिंपल यादव के लिए वोट मांगे थे। फिरोजाबाद में 7 नवंबर को चुनाव होना है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ सलमान और गोविंदा का स्टारडम चलता है या फिर मुन्ना भाई की गांधीगिरी।